नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद, आप देख रहे हो रेडियो कॉफी विद प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक सिटी ब्रेन के अंदर देखेंगे कैवहम सेप्टम पेलुसिडम, कैवहम भार्गी एंड कैवहम वैली इंटरपोजिटी। ये तीनों क्या होता है, कैसे दिखते हैं सिटी स्कैन में, ये सारे ये वीडियो का माध्यम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड ये लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और ये दोनों, ये राइट लैटरल वेंट्रिकल, ये लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। तो ये बीच में जो कनेक्टिंग जो करता है वो है, होता है कॉर्पस कैलोजम। ओके, तो यहाँ पे होता है क्या, अब देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है कैवहम सेप्टम पेलुसिडम और ये है कैवहम भार्गी। तो ये क्या होता है ये एक बार पहले देख लीजिए। तो अभी देखिए ये गूगल किया हुआ है मैंने, तो व्हाट इज कैवहम सेप्टम पेलुसिडम, तो यहाँ पे आंसर दे रहा है द कैवहम सेप्टम पेलुसिडम CSP इज ए पोटेंशियल कैविटी बिटवीन द मेम्ब्रेनस लिव्स ऑफ द सेप्टम पेलुसिडम सेपरेटेड बाई एटलीस्ट 1 mm and is considered a normal anatomical variation. It is the most important line and it is considered a normal anatomical variation. मतलब आपका कैवहम सेप्टम पेलुसिडम जो है वो normal anatomical variation का अंदर है। अभी देखिए हम लोग ये इसका differentiate करेंगे और types देखेंगे कितना टाइप का है और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैवहम सेप्टम पेलुसिडम एक टाइप का है, दूसरा होगा कैवहम भार्गी, तीसरा होगा कैवहम वैली इंटरपोजिटी। ओके, ये तीनों टाइप का है। ये देखिए ये है कैवहम सेप्टम पेलुसिडम का वेरिएशन। यहाँ पे सिर्फ कैवहम सेप्टम पेलुसिडम है, ये जो एरिया आप देख रहे हो वो है कैवहम सेप्टम पेलुसिडम। तो ये कैवहम सेप्टम पेलुसिडम, कैवहम भार्गी एंड कैवहम वैली इंटरपोजिटी, ये तीनों ही CSF डेंसिटी होगा इसमें, मतलब CSF का ही डेंसिटी देगा। ये देखिए ये है कैवहम सेप्टम पेलुसिडम एंटीरियर की तरफ, और जो पोस्टीरियर की तरफ है ये कैवहम भार्गी है। कैवहम भार्गी इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ कैवहम सेप्टम पेलुसिडम। ओके, तो ये जब टोटल थोड़ा लंबी हो जाएगा ये कैवहम भार्गी हो जाएगा और पोस्टेरली रहेगा थोड़ा। ओके, अभी देखिए ये थोड़ा मतलब पोस्टेरली है, एंटीरियरली इसमें कुछ नहीं है। ये है कैवहम वैली इंटरपोजिटी। ओके, यहाँ पे एंटीरियरली नहीं है, ये सिर्फ पोस्टेरली है। ये तीनों टाइप का होता है कैवहम जो होता है, ये तीनों टाइप का ही होता है कैवहम सेप्टम पेलुसिडम, कैवहम भार्गी एंड कैवहम वैली इंटरपोजिटी। ओके, तो ये देख रहे हो आप 1, 2, 3 करके है, ये एक का है, ये है सिर्फ कैवहम सेप्टम पेलुसिडम, नॉट भार्गी एंड नॉट इंटरपोजिटी। ठीक है, ये सिर्फ कैवहम सेप्टम पेलुसिडम है जो एंटीरियरली है, पोस्टीरियरली नहीं है। देखिए पोस्टीरियरली और सुपीरियरली होगा तो ये कैवहम सेप्टम पेलुसिडम एंटीरियरली रहेगा, उसका पोस्टीरियरली और सुपीरियरली रहेगा कैवहम भार्गी। ओके, कैवहम भार्गी जो 2 नंबर पे अभी जो है माउस जहाँ पे है वो है कैवहम भार्गी। अभी जो है 3 नंबर पे यह है कैवहम वैली इंटरपोजिटी। ओके, यहाँ पे देखिए ये एंटीरियरली है लेकिन यहाँ पे एंटीरियरली नहीं है, कैवहम वैली इंटरपोजिटी पे सिर्फ पोस्टीरियरली रहेगा। ओके, ये तीनों का डिफरेंशिएट यहीं पे आपका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा एक बार समझ लीजिए, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हो। देख लिया, अभी देखिए इस पेशेंट में क्या है, ये तीनों का डिफरेंस देख लिया क्या क्या होता है, ये टोटली कहाँ पे है ब्रेन में, ये पोजीशन देख के ही ये तीनों का नाम बोला जाता है जो ये है। ठीक है, तो अभी देखिए ये इसमें क्या फाइंडिंग्स मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ 2 चीज़, एक है
केवम सेप्टम पेलुसिडम जो कि ना ये है एंटीरियरली होता है वो तो आपने देखा, और दूसरा है एट भार्गी मतलब केवम भार्गी। तो ये है केवम सेप्टम पेलुसिडम एट भार्गी टोटल डे, ठीक है। ये टोटल जो है केवम सेप्टम पेलुसिडम एंड केवम भार्गी दोनों है। और केवम वैली इंटरपोइसी कहाँ होता है, यहाँ पे, और पोस्टेरियरली होता है केवम वैली इंटरपोजिटी। यहाँ पे दो ही है केवम सेप्टम पेलुसिडम एंड केवम भार्गी इस पेशेंट का। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएंट है ब्रेन के, ब्रेन में। इसके वजह से पेशेंट को शायद कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये आज था एक छोटा सा टॉपिक केवम सेप्टम पेलुसिडम केवम भार्गी केवम वैली इंटरपोजिटी लेके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी है मन में वो तो आप कमेंट करके जरूर डाल दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।